हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू अनुपमा होम स्टाइल कुकिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसूर दाल के पकोड़े। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और सबसे पहले हम मसूर दाल को एक घंटे तक भिगो देंगे। सबसे पहले एक मिक्सी जार में मसूर दाल को डालेंगे, 5-6 हरी मिर्च डालेंगे, कुछ लहसुन की कलियाँ डालेंगे और एक इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट तैयार हमने कर लिया है। अब इसमें हम सात से आठ इसमें गार्लिक चॉप डालेंगे। एक कटे हुए प्याज डालेंगे, थोड़े से धनिया पत्ता डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारे मसूर दाल के पकोड़े का बैटर बनके अब तैयार है। उसके बाद गरम कढ़ाई में रिफाइन ऑयल डालेंगे, तेल गरम हो जाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें बैटर डालेंगे और पकोड़े को फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में हमें पकोड़े को फ्राई करना है। वन साइड हमारा पकोड़ा फ्राई हो चुका है। अब इसे आराम से धीरे धीरे पलटेंगे। हमारे पकोड़े अब दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब पकोड़े को हम दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे करके हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। हमारे सारे पकोड़े अब बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है एंड क्रंची होता है। आप इसे ज़रूर घर पे ट्राई करें। इसे हम शाम के चाय के साथ नाश्ते में ले सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।